Hello everyone, this video is for all the students and teachers who are dealing with the Python subject as per the new syllabus by the CBSE. इस पूरे वीडियो में आप सभी को सिखाने की ट्राई करूंगा कि आप किस तरह से डेटा विजुलाइजेशन एज वेल एज नंबाई एज वेल एज पांडास के हर एक टॉपिक को इंक्लूड करके आप किस तरह से आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको टोटल 10 सब टॉपिक दिख रहे हैं, वही 10 टॉपिक को इंक्लूड करके हम ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपका कुछ पाइथन पांडास नंबाई एंड मैटप्लॉटलिब के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और इसी प्रोजेक्ट में आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके या फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर रिस्पेक्टेड टीचर यू कैन मॉडिफाई द प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज थोड़ा बहुत डेटा सेट चेंज करके आप पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर पाओगे। तो इसे पूरे प्रोजेक्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ 4 सब टॉपिक जिसके अंदर लाइन चार्ट बार प्लॉट पाई चार्ट एंड स्कैटर चार्ट होंगे और बाकी के 1st, 2nd, 7th, 8th, 9th एंड 10th ये सारे टॉपिक आपके कुछ नंपाई एज वेल एज पाइथन पांडास के कुछ रिलेटेड होंगे। तो ये सब कुछ परफॉर्म करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो हम डेवलप करेंगे या फिर परफॉर्म करेंगे वो कौन से डेटा सेट पे होगा। तो ये रहा आपका डेटा सेट जो मैंने एक्चुअली COVID-19 की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है जिसके अंदर आपको कुछ स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस रिकवर केसेस डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस मिलेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे आपको महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु लाइक वाइज हर एक स्टेट के मैंने यहाँ पे टोटल कुछ 25 या फिर 26 स्टेट्स के नाम लिए हैं जिसके अंदर आपको हर एक स्टेट के हिसाब से कन्फर्म केसेस रिकवर केसेस डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस का पूरा डेटा है। और यही डेटा आप कुछ डाउनलोड कर पाओगे COVID-19 की ऑफिशियल वेबसाइट पर से। और ये पूरा डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया है एज पर द 29th of September। तो यही कुछ डेटा सेट के हिसाब से हम परफॉर्म करेंगे कुछ आपके डेटा विजुअलाइजेशन के सारे चार्ट्स एज वेल एज पाइथन पांडास के सारे टॉपिक। और यही सब कुछ मिलके आपका कंप्लीट होगा पाइथन का पूरा प्रोजेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट से। अब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है और इंपोर्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट मैंने लिखा है कुछ matplotlib.pyplot जो आपके लाइन चार्ट बार प्लॉट पाई चार्ट एज वेल एज स्कैटर चार्ट ड्रॉ करने के लिए यूज होगा। इंपोर्ट सेकंड मैंने लिया है पांडास नाम का इंपोर्ट स्टेटमेंट जो आपके 1st, 2nd एज वेल एज 7, 8, 9 एंड 10 नंबर के टॉपिक फिनिश करने के लिए एज वेल एज एक मैंने numpy भी इंपोर्ट किया है जो आपके कुछ मल्टी बार चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज होगा। तो ये कुछ था आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। देन आफ्टर DEF, एज यू नो DEF इज द प्री डिफाइंड वर्ड That is known as a keyword in the Python, which is used to create user-defined function. मैंने यहाँ पे function का नाम दिया है main_menu as a function, और उसके नीचे मैंने total कुछ print statement लिखा है जिसके अंदर कुछ 1 से लेके 10 तक सारे कुछ statement properly लिखे हैं, और यही कुछ statement हम follow करेंगे using if condition. तो ये पूरा function create होने के बाद मैंने next line में लिखा है main menu नाम का function. जिसका सिंबल सा मीनिंग ये होगा कि मेन मेनू नाम के फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा कॉल होके आएगा या फिर प्रिंट होके आएगा। तो सिंबल सी बात ये रहे कि ये सारा कुछ डेटा प्रिंट होके आएगा व्हेन यू कॉल द मेन मेनू नाम का फंक्शन। नाउ यही 10 टास्क को फिनिश करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए मैंने यही सब टास्क को कुछ फंक्शन के तौर पर डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टास्क इज रीड कम्प्लीट CSV फाइल। अब यही टास्क को फिनिश करने के लिए मैंने एक अलग से फंक्शन क्रिएट किया है फॉर एग्जाम्पल रीड CSV नाम का फंक्शन। मीन्स हमारे फर्स्ट टास्क को फिनिश करने के लिए हम कॉल करेंगे रीड CSV नाम का फंक्शन जिसके जरिए आप कुछ CSV फाइल में से जो कुछ भी डेटा होगा यहाँ पे रीड कर पाओगे। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। लाइकवाइज मैंने हर एक फंक्शन के लिए या फिर हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट किए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये सारे वही फंक्शन है जो आपके हर एक टास्क दैट इज 2nd, 3rd, 4th, up to 10th फंक्शन के लिए या फिर 10th स्टेटमेंट के लिए फिनिश करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए ये सारे फंक्शन का कोड रहा जो हम 1 by 1 देखेंगे कि हर एक फंक्शन का मीनिंग क्या है या फिर टास्क क्या है। पर ये सब कुछ फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट लिया है यूजर के पास से। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा एंटर योर चॉइस नाउ एज पर योर चॉइस नाउ सब यूजर इज गोइंग टू प्रिंट द 1 देन रीड CSV फंक्शन इज गोइंग टू कॉल एज पर दैट सेकंड नंबर के इनपुट पे नो इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा थर्ड नंबर के इनपुट पे लाइन प्लॉट वाला फंक्शन कॉल होगा। लाइक वाइज हर एक 10th इनपुट के लिए 1 by 1 सारे फंक्शन 1 by 1 कॉल होते रहेंगे। नाउ सपोज मैंने या फिर यूजर ने आउट ऑफ 1 से लेके 10 तक कोई भी इनपुट डाला तो यहाँ पे लास्ट में एल्स में जो कुछ भी लिखा होगा प्रिंट हो जाएगा दैट इज एंटर वैलिड इनपुट। नाउ ये सारे टास्क को समझने के लिए सिंबल से पहले प्रोग्राम रन करके देखते हैं और रन करने के लिए रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन या फिर यू कैन डायरेक्टली प्रेस F5 फ्रॉम योर कीबोर्ड।
नाउ प्रोजेक्ट रन करते ही आपको हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट किया हुआ मिलेगा जो आपने एक्चुअली मेन मेनू नाम के फंक्शन के अंदर लिखा था, और लास्ट में एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है जहाँ पे आपके पास कुछ इनपुट मांगा जा रहा है एंड द स्टेटमेंट इज एंटर योर चॉइस। नाउ आपको प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत याद हो तो हमने लास्ट में एक इफ वाला स्टेटमेंट लिया था। नाउ इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर नाउ सपोज यू आर गोइंग टू राइट 1, 2, 3 अप टू 10, ऑल द इनपुट इज गोइंग टू स्टोर इन द वेरिएबल ओपीटी। नाउ इसी ओपीटी की वैल्यू अगर 1 होगी तो रीड सीएसवी वाला फंक्शन, लाइकवाइज 2 होगी तो नो इंडेक्स वाला फंक्शन, अगर 3 प्रेस करोगे तो लाइन प्लॉट वाला फंक्शन, लाइकवाइज 10 प्रेस करते ही आपका स्पेसिफिक कॉल वाला फंक्शन कॉल होगा। पर अगर मान लो यूजर ने या फिर मैंने आउट ऑफ 1 to 10 कोई भी इनपुट डाला तो लास्ट में एल्स में जो कुछ भी लिखा है दैट इज एंटर वैलिड इनपुट वो प्रिंट हुआ आपको मिलेगा। तो सिंपल से एक ट्राई कर लेते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट करेंगे आउट ऑफ 1 to 10 वैल्यू। तो अभी मैं पाइथन सेल में जाके कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, लेट टेक 15, जो भी हमने कोई भी फंक्शन पास नहीं किया था एज द वैल्यू 15, तो हमको यहाँ पे प्रिंट हुआ मिलेगा एंटर वैलिड इनपुट। तो इसका सिंबल सा मीनिंग ये रहा है कि आपके 1 से लेके 10 तक के इनपुट में आपको पर्टिकुलर 1 by 1 सारे फंक्शन कॉल हुए मिलेंगे। तो वापस एक टास्क करते हैं, मैं वापस यही प्रोग्राम रन करता हूँ, रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन या फिर F5 प्रेस करते ही आपको जो स्क्रीन मिलेगी उसके अंदर आप प्रॉपरली इनपुट डालते हैं लेट टेक 1। नाउ पहले ये चेक करते हैं कि 1 नाम के ऑप्शन में हमने कौन सा फंक्शन लिखा था। अभी 1 चॉइस वाला ऑप्शन जिसके अंदर हमने कुछ लिखा था रीड सीएसवी नाम का फंक्शन, तो चलो चेक करते हैं कि रीड सीएसवी वाले फंक्शन में एक्चुअली है क्या। लेट वी रीडायरेक्ट टू द रीड सीएसवी वाला फंक्शन, और ये रहा रीड सीएसवी वाला फंक्शन जिसके अंदर मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है रीडिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। ये सीएसवी फाइल वही है जो मैंने एक्चुअली आपको अभी दिखाई थी जिसके अंदर COVID-19 का डेटा रखा था, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने कुछ df नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ लिखा है pd, दैट इज एब्रीविएशन फॉर द पांडास, जिसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन पास किया है रीड csv, और उसी ब्रैकेट में आप कुछ पाथ लिखोगे जहां पे आपकी पूरी फाइल स्टोर होके रखी थी। अभी मैंने हाल में जो आपको COVID-19 का डेटा दिखाया था वो डेटा मेरा पूरा states.csv नाम की फाइल के अंदर था जो मैंने एक्चुअली डी ड्राइव के अंदर रखा था, तो ये मैंने कंप्लीट पाथ यहाँ पे सेट कर दिया, और उसी बाद प्रिंट नाम के फंक्शन के df नाम का वेरिएबल। तो हम चेक करते हैं कि पूरा डेटा यहाँ पे कम्प्लीटली प्रिंट होके आता है या फिर नहीं। सो आफ्टर राइटिंग द 1 आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर, और ये पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट होके आया। लेट चेक द डेटा, ये मैंने 1 प्रेस किया था तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होके आया रीडिंग द डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। अब स्टेट के नाम कन्फर्म रिकवर डेथ एज वेल एज एक्टिव, ये सारा वही डेटा है जो मैंने आपको सीएसवी फाइल के अंदर दिखाया था। ये रहा वो डेटा जिसके अंदर कुछ स्टेट कन्फर्म रिकवर डेथ एंड एक्टिव केसेस, और इसी फील्ड के नाम के नीचे सारा डेटा जो अभी हमने प्रिंट करके रखा था वो सारा डेटा आपके पाइथन सेल के अंदर प्रिंट होके आया। पर एक सिंपल सी बात, इसी डेटा में आपके साथ साथ में एक और एडिशनल डेटा आया दैट इज द इंडेक्स। नाउ हर एक स्टेट के आगे कुछ 0, 1, 2, 3, एज यू नो द इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो कुछ हर एक इंडेक्स कुछ प्रिंट होके आई है। नाउ अब सेकंड टास्क, now a second task is how you can remove the indexes from the data। तो उसी के लिए हमारा second task था reading complete file without index। now अगर मान लो वही data आपको बिना index के print करना हो तो ये second task हमने इसीलिए रखा था, और second task में मैंने call किया है the name of function as no_index। तो देखते हैं उसके अंदर हमने क्या लिखा है। सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होके आएगा रीडिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल विदाउट इंडेक्स वैल्यू। नाउ इसी फाइल के अंदर अगर मान लो आपको इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करनी हो देन यू हैव टू पास जस्ट 1 एट्रीब्यूट इन द रीड सीएसवी फंक्शन एंड द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज index_col=0। मीन्स आपकी जो फर्स्ट कॉलम प्रिंट होके आई थी जिसके अंदर आपने कुछ इंडेक्स प्रिंट होके आई थी वो सारा डेटा वहां से निकल जाएगा। मीन्स आपको वही डेटा मिलेगा जो आपके सीएसवी फाइल के अंदर था। सो लेट चेक फॉर दिस, आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम अगेन। सो रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द 2 एंड 2 इज फॉर द रीडिंग कंप्लीट फाइल विदाउट इंडेक्स। और मेरे 2 लिखने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एंटर प्रेस करने के बाद आपको पूरा डेटा वही मिलेगा जो आपकी सीएसवी फाइल में था, पर सिंपल सा चेंज ये रहेगा कि यहाँ पे आपको इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट इज द टास्क फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड वन। नाउ लेट वी मूव टू द डेटा विजुअलाइजेशन। नाउ डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपके सामने कुछ 4 चार्ट प्रिंट करके रखे हैं जिसके अंदर मैंने कुछ लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एज वेल एज स्कैटर चार्ट रखा है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड टास्क फिनिश किया, लाइकवाइज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ फंक्शन क्रिएट करके रखे हैं।
नाउ पहले चेक कर लेते हैं, अगर मैं यूजर के पास से 3 प्रेस करो या फिर आप 3 प्रेस करो तो कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि opt equal to 3, मीन्स अगर मान लो यूजर ने 3 इनपुट डाला तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। द नेम ऑफ द फंक्शन इज लाइन अंडरस्कोर प्लॉट नाम का फंक्शन। सो लेट चेक दैट व्हाट इज देयर इन द लाइन प्लॉट नाम का फंक्शन। तो ये रहा आपका लाइन प्लॉट नाम का फंक्शन, जिसके अंदर सबसे पहला टास्क लिखा है मैंने df इक्वल टू pd, जो हमने अभी डेटा रीड किया था वो। ना इसी फाइल के अंदर जो कुछ भी आपने डेटा स्टोर करवा के रखा है उसी फाइल का डेटा इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो, देन यू कैन यूज द वेरिएबल df, एंड इन दैट वेरिएबल यू हैव टू पास इंडिविजुअल नेम ऑफ द फील्ड एज पर द केस सेंसिटिव। तो मैंने स्टेट की पूरी फील्ड स्टोर कर दी है ST के अंदर, कन्फर्म केसेस में जितना भी कुछ डेटा था हो गया स्टोर CNF के अंदर, रिकवर का डेटा RC के अंदर, डेथ की जो कुछ भी वैल्यू होगी आपकी स्टोर होगी DTH के अंदर, एंड एक्टिव केसेस का सारा डेटा मिल चुका हमको AC नाम के वेरिएबल के अंदर। अब PLT.XLabel नाम का फंक्शन, आपके एक्स एक्सिस में कुछ लेबल प्रिंट कराना हो तो जहाँ पे प्रिंट होके आएगा स्टेट नाम का वर्ड, एंड देन आफ्टर एक्स टिक्स नाम का फंक्शन जिसका सिंबल सा मीनिंग ये होगा कि जो कुछ भी वैल्यू आपके एक्स एक्सिस में प्रिंट होके आएगी, जो एक्चुअली वर्ड ऑफ बेस आपके सारे स्टेट्स के नाम है, वो सारे आपके डेटा वर्टिकली प्रिंट करने के लिए जिससे आप प्रॉपर डेटा रीड कर पाओ। तो सिंबल सा हो गया एक्स टिक्स के बारे में। देन आफ्टर अभी आपका मेन टास्क चालू होगा जिसके अंदर हम कुछ प्रिंट करेंगे वन बाय वन कुछ 5 टास्क, जिसमें फर्स्ट टास्क है प्रेस 1 टू प्रिंट द डेटा फॉर स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस, लाइकवाइज स्टेट फॉर द रिकवर केसेस फॉर द सेकंड ऑप्शन, स्टेट वर्सेस डेथ केसेस फॉर द थर्ड ऑप्शन, स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस एज अ फोर्थ ऑप्शन, एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज फिफ्थ ऑप्शन में हम कवर करेंगे सारे डेटा एक साथ प्रिंट करने का इन फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट। मीन्स फिफ्थ वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ प्रिंट होगा कि स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस, रिकवर केसेस, डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस एक पूरे लाइन चार्ट के तौर पर प्रिंट होके आएंगे। तो हमको सिंबल सा ये देखना होगा कि जब यूजर 1 प्रेस करे या फिर मैं जब 1 प्रेस करूँ तो उसका कोड क्या है। तो उसी का कोड मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये मैंने यूजर के पास से कुछ इनपुट लिया और इनपुट जाएगा हमारे वेरिएबल OP के अंदर। ना OP की वैल्यू अगर 1 होगी तो बट ऑफ हमारा कुछ डेटा प्रिंट होना चाहिए डेटा फॉर स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस। तो आपको दो वैल्यू चाहिए होगी, फर्स्ट थिंग इज द स्टेट एंड सेकंड वन इज द कन्फर्म केसेस। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टेट के लिए कुछ वेरिएबल का नाम लिया था ST एंड कन्फर्म केसेस के लिए हमने वेरिएबल का नाम लिया था CNF। तो बट ऑब्वियस बात रही कि हम जो कुछ भी लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे वो लाइन चार्ट होगा ST वर्सेस CNF। अब इसी चार्ट के लिए मैंने वाई लेवल में कुछ डेटा प्रिंट कराया है, दैट इज कन्फर्म केसेस, टाइटल नाम के फंक्शन के पूरे चार्ट का कुछ टाइटल प्रिंट हो जाएगा, एंड टाइटल होगा स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस, एंड देन आफ्टर आपका मेन फंक्शन दैट इज प्लॉट नाम का फंक्शन आपका लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए, और यही लाइन चार्ट रहेगा आपका स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस का। स्टेट के लिए हमने वेरिएबल लिया था ST एंड कन्फर्म केसेस के लिए हमने वेरिएबल का नाम लिया था CNF। तो ये पूरा आपका चार्ट बन जाएगा, और वही चार्ट डिस्प्ले करने के लिए PLT.show नाम का फंक्शन। ये PLT हमने matplotlib.pyplot का जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा था उसका एब्रीवेशन है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर मान लो यूजर ने 3 प्रेस किया, 3 मतलब पूरा आपका लाइन चार्ट वाला फंक्शन, और उसी के अंदर वापस 1 प्रेस किया तो डेटा फॉर स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस प्रिंट होके आता है या फिर नहीं। सो लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन, एंड इन दैट आई एम गोइंग टू एंटर द वैल्यू एज 3 for the line chart, and in that 3 I'm going to press the enter, so you will get again 5 sub menus over there, and let's check for the first one, that is to print the data for state versus confirm cases। तो मेरे 1 press करते ही आपका पूरा कुछ data print होके आना चाहिए जिसके अंदर state versus confirm cases का line chart हो। so let's press the enter, और enter press करते ही आपके सामने कुछ chart बन के आया जिसके अंदर कुछ line chart है, और यही कुछ चार्ट अगर मान लो एक्स एक्सिस में आपके सारे स्टेट के नाम प्रॉपर दिखाई ना दे रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है कुछ कॉन्फ़िगर सब प्लॉट्स। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप कुछ टॉप बॉटम राइट एंड टॉप से कुछ मार्जिन सेट कर पाओगे, और ये प्रॉपर मार्जिन सेट करने के बाद आपको प्रॉपरली दिखाई देगा कि नीचे कुछ एक्स एक्सिस में सारे स्टेट के नाम लिखे हैं, वाई में कुछ कन्फर्म केसेस लिखे हैं, और ये सारे कुछ नाम आपके प्रॉपरली वर्टिकली प्रिंट होकर है क्योंकि हमने कुछ एक्स टिक्स यूज किया था। इसलिए ये सिंबल्स आपके स्क्रीन के सामने लाइन चार्ट रहा, दैट इज फॉर द स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस। इसी तरह आप कुछ प्रिंट कर पाओगे
स्टेट वर्सेस रिकवर केसेस, स्टेट वर्सेस डेथ केसेस, स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना रहेगा। स्टेट वर्सेस रिकवर केस के लिए ST, RC, थर्ड ऑप्शन के अंदर स्टेट वर्सेस डेथ, एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर स्टेट वर्सेस एक्टिव केस। यही माइनर सा मॉडिफिकेशन करके आप हर एक अलग अलग लाइन चार्ट ड्रॉ कर पाओगे। सो लेट चेक फॉर द फिफ्थ वन, जिसके अंदर हम पूरा लाइन चार्ट कंबाइन करने वाले थे, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा है प्लॉट नाम का फंक्शन। फर्स्ट इज फॉर द स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस, सेकंड इज फॉर द स्टेट वर्सेस रिकवर केसेस, थर्ड इज फॉर द स्टेट वर्सेस डेथ केसेस, एंड फोर्थ इज फॉर द स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस। इन सभी प्लॉट नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक एडिशनल एट्रीब्यूट यूज किया है विद द नेम लेबल, और यही लेबल आपके चार्ट के अंदर प्रिंट करने के लिए एक लीजेंड नाम का फंक्शन, और लास्ट में एक शो वाला फंक्शन जिसके जरिए आप कुछ मल्टी लाइन चार्ट प्रिंट कर पाओगे। सो लेट चेक फॉर द फिफ्थ वन इन द लाइन चार्ट। सो रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन, सो लेट्स गो फॉर द लाइन चार्ट। फॉर दैट आई एम गोइंग टू प्रेस द थ्री, और उसी थर्ड नंबर के ऑप्शन के अंदर वापस फिफ्थ वाला ऑप्शन जिसके अंदर हमने लिखा था मर्ज ऑल द डेटा इन वन लाइन चार्ट। सो आई एम गोइंग टू प्रेस द फाइव, और ये आपका डेटा रहा जिसके अंदर लाइन चार्ट बन के आया, जिसके अंदर टोटल चार लाइन चार्ट है, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा था स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस, स्टेट वाइज रिकवर केसेस, स्टेट वाइज डेथ एंड स्टेट वाइज एक्टिव केसेस। अगर स्टेट के नाम या फिर आपने जो कुछ भी डेटा लिया है उसके नाम प्रॉपरली ना दिख रहे हो, देन यू कैन कॉन्फिगर द सब लॉट्स बाय क्लिकिंग ओवर हियर। ये कुछ था आपके लाइन चार्ट के बारे में। नाउ चेक करते हैं कि हमने फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या रखा था। तो डायरेक्टली हम जाते हैं इफ वाले कंडीशन के अंदर, जिसमें हमने लिखा था अगर मान लो यूजर ने फोर प्रेस किया तो प्रिंट होके आना चाहिए आपका बार चार्ट। उसके लिए मैंने फंक्शन का नाम लिया है बार अंडरस्कोर प्लॉट। तो चेक करते हैं बार अंडरस्कोर प्लॉट नाम के फंक्शन के अंदर मैंने क्या कुछ लिखा है। तो ये रहा आपका बार प्लॉट नाम का फंक्शन, जिसमें अगर आपने लाइन चार्ट प्रॉपरली देख लिया हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ कॉमन रहेगी, जैसे डेटा रीड करना, और डेटा रीड करने के बाद हर एक डेटा या फिर हर एक फील्ड को इंडिविजुअल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, जैसे स्टेट का डेटा आ गया ST में, लाइकवाइज CNF, RC, DTH एंड एक्टिव का डेटा आ चुका AC नाम के वेरिएबल के अंदर। X लेबल में मैंने कुछ लिखा है स्टेट नाम का वर्ड, और X टिक्स जिसके जरिए आपने जो कुछ भी डेटा प्रिंट किया होगा X एक्सिस के अंदर वो वर्टिकली प्रिंट होके आएगा। और जैसे कि हमने लाइन चार्ट में परफॉर्म किया वैसा ही कुछ हम बार चार्ट में भी परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आपके सब मेनू होंगे 1 से लेके 6 तक, जिसमें 1 में आप प्रिंट करोगे कुछ बार चार्ट फॉर द स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस, सेकंड में होगा आपका स्टेट वर्सेस रिकवर केसेस, थर्ड के अंदर होगा स्टेट वर्सेस डेथ, फोर्थ के अंदर स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस, फिफ्थ एंड सिक्स वाला ऑप्शन जिसके अंदर हम सारा कुछ डेटा मिक्स करेंगे पर वही डेटा कुछ प्रिंट करेंगे एज इन फॉर्म ऑफ स्टेक बार चार्ट एंड मल्टी बार चार्ट। ये भी देखेंगे स्टेक बार चार्ट होता क्या है, मल्टी बार चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं फर्स्ट या फिर सेकंड एक चेक करते हैं कि किस तरह से डेटा प्रिंट होके आएगा सिंगल सा आपका बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मान लो यूजर ने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो हम चेक करते हैं 1 नाम के इफ सब मेनू के अंदर हमने क्या लिखा है। तो अगर मान लो यूजर ने 1 प्रेस किया तो वाई लेबल में प्रिंट होके आएगा कन्फर्म केसेस, टाइटल कुछ होगा स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस, और उसी स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस का बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए बार नाम का फंक्शन, जिसके अंदर आपने 2 वैल्यूज पास किए, दैट इज ST फॉर स्टेट एंड CNF फॉर द कन्फर्म केसेस, और यही बार चार्ट डिस्प्ले करने के लिए PLD.show नाम का फंक्शन। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये प्रॉपरली बार चार्ट प्रिंट होके आता है या फिर नहीं। रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन, एंड नाउ वी विल गो विद द बार प्लॉट। तो बार चार्ट प्रिंट करने के लिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, सो आई एम गोइंग टू प्रेस द फोर्थ ओवर हियर, और उसी फोर के अंदर आपके वापस 6 सब मेनूज प्रिंट होके आए। उसके अंदर हम ट्राई करेंगे फर्स्ट के लिए, सो आई एम गोइंग टू प्रेस द 1, और जिसके अंदर आपको कुछ मिलेगा स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस के बार चार्ट्स। सो आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर ओवर हियर, एंड मेरा एंटर प्रेस करते ही आपको कुछ यहाँ पे स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस का कुछ बार चार्ट मिला, जिसमें हर एक स्टेट के हिसाब से मीन्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात या फिर कोई भी स्टेट के हिसाब से आपका पूरा डेटा प्रिंट होके आएगा बट इन फॉर्म ऑफ बार चार्ट। वैसे ही आप कुछ प्रिंट कर पाओगे स्टेट वर्सेस रिकवर केसेस, डेथ, एक्टिव केसेस, और इसके लिए आपको माइनस चेंज करना रहेगा बार नाम के फंक्शन के अंदर। जैसे अगर मान लो यूजर ने 2 प्रेस किया तो स्टेट वर्सेस रिकवर केस के लिए RC,
स्टेट वर्सेस डेथ के लिए DTH एंड स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस के लिए AC नाम का वेरिएबल। तो इसी के जरिए आप कुछ हर एक सब मेनूज भी परफॉर्म कर पाओगे। नाउ लेट गो फॉर द 5th and 6th सब मेनू, जिसके अंदर हमने कुछ लिखा था स्टैक बार चार्ट एंड मल्टी बार चार्ट। स्टैक बार चार्ट का सिंबल सा मीनिंग ये रहेगा कि हर एक बार के अंदर आपका सारा डेटा एक ही बार में प्रिंट होकर आएगा। मीन्स यहाँ पर मैंने बार नाम का फंक्शन टोटल को 4 बार यूज़ किया, जिसके अंदर स्टेट वर्सेस CNF, स्टेट वर्सेस RC, स्टेट वर्सेस डेथ एंड स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस की डेटा प्रिंट की है। एज पर द लाइन चार्ट मैंने यहाँ पे भी कुछ लेबल यूज़ किया है और हर एक लाइन की विड्थ मैंने यूज़ की है एज अ 0.2। और ये सारे लेबल कुछ प्रिंट करने के लिए लीजेंड नाम का फंक्शन और लास्ट में सारा कुछ डेटा प्रिंट करने के लिए शो नाम का फंक्शन। सो लेट चेक दैट हाउ एक्चुअली स्टैक बार चार्ट लुक लाइक। रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन, तो हम चेक करेंगे अभी बार चार्ट के लिए कैसे कुछ स्टैक बार चार्ट दिखता है वो। तो 4th दैट इज फॉर द बार चार्ट एंड उसी के अंदर वापस 5th वाला ऑप्शन फॉर द स्टैक बार चार्ट। और ये मेरा एंटर प्रेस करते ही आपको हर एक बार चार्ट के अंदर कुछ अलग अलग 4 कलर्स आपको दिखाई देंगे और हर एक कलर का मीनिंग यहाँ पे रहा कि आपका ब्लू वाला कलर होगा स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस के लिए, ऑरेंज वाला कुछ कलर होगा स्टेट वाइज रिकवर केसेस के लिए, लाइक वाइज ग्रीन कलर एंड लाइक वाइज रेड कलर। ये सारा कुछ आपको एक सिंगल बार के अंदर मिल चुका, दैट इज सिंपल नॉन एज स्टेक बार चार्ट। अभी लास्ट वाला एक चेक कर लेते हैं, व्हाट इज मल्टी बार चार्ट, जिसके अंदर आपको हर एक बार की कुछ इंडिविजुअल विड्थ सेट करनी पड़ेगी, जिसके मैंने कुछ विड्थ लिया है 0.25 और यहाँ पे वन एंड ओनली यूज ऑफ द NumPy टू क्रिएट द मल्टी बार चार्ट इन माई प्रोजेक्ट। तो आपकी स्टेट की जितनी भी कुछ वैल्यू होगी वो वैल्यू 0 से लेके लेंथ -1 तक जितनी भी स्टेट आपने मेंशन की होगी वही स्टेट में इंडेक्स के फॉर्म में प्रिंट होके आपके स्टोर होगे IND नाम के वेरिएबल के अंदर, और वही IND नाम के वेरिएबल वर्सेस कन्फर्म केसेस वर्सेस रिकवर वर्सेस डेथ वर्सेस एक्टिव केसेस का बार चार्ट, बट इन फॉर्म ऑफ मल्टी बार चार्ट क्रिएट करने के लिए आपने हर एक में विड्थ अलोकेट की है एज अ 0.25। अब सिंपल सी बात रही कि अगर मान लो आपका स्टेट वर्सेस कन्फर्म केसेस प्रिंट हुआ 1st 0.25 विड्थ में, तो 2nd आपका स्टेट वाइज रिकवर केसेस चालू होगा आफ्टर 0.25, लाइक वाइज 3rd वन इज आफ्टर 0.50 एंड 4th वन इज आफ्टर 0.75। सारा कुछ लेबल प्रिंट करने के लिए लीजेंड नाम का फंक्शन और लास्ट में शो नाम का फंक्शन आपका पूरा मल्टी बार चार्ट प्रिंट करवाने के लिए। सो लेट गो फॉर दिस, रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन और उसी में हम चेक करेंगे 4th दैट इज फॉर द बार चार्ट एंड उसी बार चार्ट के अंदर वापस 6th वाला ऑप्शन टू प्रिंट ऑल द डेटा इन फॉर्म ऑफ मल्टी बार चार्ट। सो मेरा एंटर प्रेस करते ही आपको कुछ मल्टी बार चार्ट प्रिंट होके आएगा, जिसमें हमने कुछ एक बार के अंदर टोटल 4 वैल्यूज प्रिंट की थी इन फॉर्म ऑफ 0.25 विड्थ। तो ये कुछ था आपके मल्टी बार चार्ट के बारे में। नाउ लेट गो फॉर द 5th वाला ऑप्शन, जिसके अंदर हमने कुछ रखा है पाई चार्ट और पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपका पाई नाम का फंक्शन यूज होगा। जो चेक करते हैं पाई चार्ट नाम के फंक्शन के अंदर हमने क्या कुछ लिखा है, और वही पाई चार्ट नाम के फंक्शन के लिए हमने नाम लिखा है pie_plot नाम का फंक्शन। और इसी फंक्शन में वापस जैसे हमने लाइन चार्ट या फिर बार चार्ट में किया वैसे ही कुछ वन प्रेस करते आपको मिलेगा डेटा इन फॉर्म ऑफ पाई चार्ट फॉर द स्टेट वर्सेज कन्फर्म केसेस, 2 प्रेस करते आपको डेटा मिलेगा स्टेट वर्सेज रिकवर केसेस का, 3 प्रेस करते ही आपको डेटा मिलेगा स्टेट वर्सेस डेथ का एंड 4th प्रेस करते ही आपको पाई चार्ट मिलेगा स्टेट वर्सेस एक्टिव केसेस का। तो ऊपर का सारा डेटा कॉमन रहा जो हमने अभी लाइन चार्ट एज वेल एज बार चार्ट के लिए किया था, एंड मेरे 1 प्रेस करते ही आपका डेटा मिलना चाहिए स्टेट वाइज कन्फर्म केसेस का। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पाई नाम का फंक्शन जो आपका कुछ पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा। कन्फर्म वर्सेस मैंने लेबल्स में लिए है ST, मीन्स ST का मीनिंग होगा स्टेट, मीन्स आपके हर एक स्टेट के नाम प्रॉपरली प्रिंट होके आएंगे, एंड ऑटो PCT नाम का एट्रीब्यूट जो एक्चुअली यूज होता है आपके परसेंटेज के फॉर्म में डेटा प्रिंट करवाने के लिए, एंड लास्ट में शो वाला फंक्शन। वैसे ही कुछ आप प्रिंट कर पाओगे स्टेट वर्सेज रिकवर केसेस डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस। तो हर एक में टाइम ना वेस्ट करते हुए हम कोई एक चेक कर लेते हैं कि आपके स्टेट वर्सेज कन्फर्म केसेस का पाई चार्ट कैसे प्रिंट होके आएगा। So let's run this task again. Now I'm going to press the 5 for the pie chart and मेरे 5 press करने के बाद वापस आपको 4 sub menus मिलेंगे, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से कुछ ना कुछ data print होके आएगा। Let go for the first one, जिसके अंदर आपको pie chart मिलेगा for the data state versus confirm cases का।
और मैंने एंटर प्रेस कर दी। ये रहा आपके सामने पूरा प्रॉपर पाई चार्ट जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा है, सारे स्टेट के नाम एज अ लेबल है और सारा डेटा कुछ परसेंटेज के फॉर्म में प्रिंट हो गया है। फॉर दैट वी हैड यूज दैट ऑटोपीसीटी नाम का एट्रीब्यूट। तो ये कुछ था आपके पाई चार्ट के बारे में। नाउ लेट गो फॉर द सिक्स ऑप्शन, और सिक्स ऑप्शन के अंदर हमने रखा था कुछ स्कैटर चार्ट। एंड स्कैटर चार्ट इज अ टाइप ऑफ प्लॉट दैट शो द डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। और वही स्कैटर चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने फंक्शन का नाम यूज किया है यहाँ पे एज अ नेम ऑफ फंक्शन एज स्कैटर चार्ट नाम का फंक्शन। एंड सेम फॉर्मेशन टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, अलोकेट द इंडिविजुअल नेम ऑफ द वेरिएबल फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। और उसी के अंदर स्कैटर चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने एक यूज किया है GCA नाम का फंक्शन। इट प्लॉट ईच डेटा सेट फॉर दैट एक्सिस विद मैट प्लॉट लिप। और उसी स्कैटर चार्ट के अंदर मैंने अलग अलग चार फंक्शन लिखे हैं जिसके अंदर आपके स्टेट वर्सेस कन्फर्म, रिकवर, डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस मिलेंगे। हर एक के कुछ इंडिविजुअल कलर लिखे हैं, बी फॉर ब्लू, रेड, ग्रीन एंड वाई फॉर येलो। और हर एक के कुछ ना कुछ लेबल प्रिंट होके आएंगे। और यही लेबल प्रिंट करने के लिए आपका लीजेंड नाम का फंक्शन एंड लास्ट में शो वाला फंक्शन आपका डेटा प्रिंट करने के लिए, जिसके अंदर मैंने कुछ एक्स लेबल लिया है स्टेट, एक्स टिक्स में कुछ आपका डेटा प्रिंट होगा एज अ वर्टिकली, एंड लास्ट में टाइटल नाम का फंक्शन आपका पूरा चार्ट का प्रॉपर टाइटल डिस्प्ले करने के लिए। सो लेट रन द प्रोग्राम एंड चेक द डेटा फॉर द स्कैटर चार्ट। नाउ वही स्कैटर चार्ट प्रिंट करवाने के लिए हमको प्रिंट प्रेस करना होगा सिक्स वाला ऑप्शन, और सिक्स वाला ऑप्शन प्रेस करते ही ये रहा आपके सामने प्रॉपर स्कैटर चार्ट that is in the form of collection of point of each and every value that you had passed in the scatter function. Now और चार बाकी रह गए, that is 7, 8, 9 and 10, जिसके अंदर मैंने कुछ Python pandas के topic use किए हैं, जिसके अंदर आप कुछ one by one कुछ data arrange कर पाओगे as per the sorting, कुछ टॉप के कुछ डेटा रीड करने के लिए या फिर बॉटम के कुछ डेटा रीड करने के लिए। अगर मान लो आपके पास जो कुछ भी CSV फाइल है वो फाइल को पूरी कॉपी करने के लिए या फिर कुछ कोई भी स्पेसिफिक कॉलम को रीड करने के लिए आपके लास्ट के चार मेनूज दैट इज 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो सबसे पहले चेक करते हैं 7th वाले फंक्शन में हमने क्या कुछ लिखा है। तो 7th वाले फंक्शन के अंदर मैंने एक्चुअली फंक्शन का नाम लिया है डेटा सॉर्टिंग नाम का फंक्शन। अगर मान लो यूजर ने 7 प्रेस किया तो ये फंक्शन कॉल होगा एज अ नेम ऑफ डेटा अंडरस्कोर सॉर्टिंग। और वही डेटा सॉर्टिंग नाम के फंक्शन के अंदर वापस मैंने कुछ 5 सब मेनूज क्रिएट किए हैं कि आप कौन से फील्ड के हिसाब से डेटा को अरेंज करना चाहते हो। मीन्स आप स्टेट के नाम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो या फिर कन्फर्म केसेस के हिसाब से या फिर रिकवर केस, टोटल डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस के लिए, जिसके जरिए आप कुछ 1, 2, 3, 4, 5 प्रेस करोगे। अब सिंबल्स का मीनिंग ये रहेगा कि अगर मान लो यूजर ने 1 प्रेस किया तो सारे स्टेट के नाम एज पर द अल्फाबेटिक ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होके आने चाहिए। अगर मान लो यूजर ने 1 प्रेस किया तो अब सॉर्टिंग करने के लिए आपका शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज नाम का फंक्शन, जिसके अंदर मैंने स्टेट पास किया है बिकॉज यू वांट टू अरेंज द डेटा एज पर द स्टेट नेम एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब इन प्लेस नाम का एट्रीब्यूट इसके लिए यूज होगा कि जो कुछ भी आप पास करें वो सिंबल्स ऑफ माइन और चेंजेस करने के लिए इन द डेटा फ्रेम। एंड लास्ट में प्रिंट करके DF, जिसका सिंबल सा मीनिंग ये रहेगा कि आपके स्टेट के नाम के हिसाब से पूरा डेटा अरेंज होके आएगा। नाउ यू कैन चेंज द वैल्यू, इंस्टेड ऑफ स्टेट यू कैन राइट कन्फर्म, रिकवर्ड एंड डेथ एज वेल एज एक्टिव टू अरेंज द डेटा इन फॉर्म ऑफ कन्फर्म केसेस, रिकवर केसेस, डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस एज पर द असेंडिंग ऑर्डर। सो हम कोई भी अभी एक चेक कर लेते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन या फिर F5 प्रेस करते ही आपके सामने जो कुछ भी मेनू प्रिंट होके आएगा उसके अंदर विल प्रेस 7 टू सॉर्टिंग द डेटा एज पर योर चॉइस। नाउ 7 प्रेस करते ही वापस हमको पूछा जाएगा 1 से लेके 5 तक के ऑप्शन, जिसके अंदर आप जो कुछ भी नंबर प्रेस करोगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डेटा अरेंज होके आएगा इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। सो लेट प्रेस 1 टू अरेंज द डेटा एज पर द स्टेट नेम। मीन्स हमने जितने भी स्टेट के नाम लिए हैं वो सारे स्टेट के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होके आने चाहिए। और मेरे एंटर प्रेस करते ही आपके सामने पूरा डेटा आ रहा जिसके अंदर हमने कुछ लिखा था स्टेट, और स्टेट के नाम चेक करोगे आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलेगी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश आया, उसके बाद आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, ये सारे नाम प्रिंट होके आए, पर ये सारे नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से है ना कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर के हिसाब से। Likewise, you can arrange the data in form of confirm cases, recover cases, death as well as active cases also by pressing 2, 3, 4 and 5 respectively. This is all about the sorting the data.
लेट्स गो फॉर द एट वाला ऑप्शन, और एट वाले ऑप्शन में हमने को जो कुछ भी रखा था जिसके अंदर था टॉप अंडरस्कोर बॉटम अंडरस्कोर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, जिसका सिंबल सा मीनिंग ये रहेगा कि टॉप से या फिर बॉटम से एज पर योर चॉइस कुछ डेटा प्रिंट करने के लिए, एज पर योर चॉइस कुछ डेटा प्रिंट करने के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था। अब इसी फंक्शन के अंदर चेक करते हैं हमने क्या कुछ लिखा है। तो ये रहा आपका टॉप बॉटम वाला फंक्शन जिसके अंदर प्रॉपर डेटा फाइल रीड कर दी है, और उसी के अंदर हमने इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू जीरो जिसका सिंबल सा मीनिंग ये रहेगा कि सारे इंडेक्स वाले कॉलम प्रिंट नहीं होके आएगी। अब यहाँ पे वापस आपको एक सिंबल सा ऑप्शन या फिर इनपुट जिसके जरिए आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी रिकॉर्ड शुड डिस्प्ले फ्रॉम टॉप साइड। अगर मान लो आपने 3 लिखा 4 लिखा या फिर 5 लिखा, तो आपकी जो कुछ भी CSV फाइल होगी उसके अंदर आपने जो कुछ भी इनपुट डाला होगे उतने ही टॉप से रिकॉर्ड प्रिंट होके आएंगे। अगर मान लो आपने 4 प्रेस किया तो सिंबल सा प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स, वही आपके हेड नाम के फंक्शन के जरिए डेटा प्रिंट हो जाएगा। मीन्स हेड के ब्रैकेट में अगर आपने 4 पास किया तो आपके टॉप 4 रिकॉर्ड्स, अगर मान लो हेड फंक्शन के अंदर आपने पास किया 10 तो आपके टॉप 10 ऑर्डर प्रिंट हो जाएंगे। लाइक वाइज आपके टेल नाम का फंक्शन आपके कुछ बॉटम साइड से कुछ डेटा प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले ये फंक्शन हम रन करके देखते हैं कि क्या कुछ डेटा प्रिंट होके आता है। रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन एंड वी विल गो फॉर 8th वाला ऑप्शन जिसके अंदर हमने कुछ लिखा था रीड टॉप एंड बॉटम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ मेरे 8 प्रेस करते ही आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी रिकॉर्ड्स शुड डिस्प्ले फ्रॉम द टॉप। अगर मैंने 4 लिखा तो आपकी फाइल में ये जो हमारी फाइल थी डेटा उसकी टॉप 4 ऑर्डर ही प्रिंट होके आएंगे। मीन्स आई थिंक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड कर्नाटक ये 4 ही रिकॉर्ड प्रिंट होके आएंगे। सो लेट्स प्रेस एंटर ओवर हियर इन कमांड सेल, और एंटर प्रेस करते ही आपके डेटा के हिसाब से टॉप 4 नेम दैट इज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड कर्नाटक वाले डेटा प्रिंट होके आएंगे। एंड वापस आपको पूछा गया हाउ मेनी रिकॉर्ड शुड डिस्प्ले फ्रॉम द बॉटम सेट। नाउ मेरे बॉटम सेट से अगर मान लो 2 लिखा तो फिर आपकी CSV फाइल के अंदर जो भी लास्ट 2 रिकॉर्ड थे उसके अंदर लास्ट 2 रिकॉर्ड ही प्रिंट होके आएंगे। तो चेक करते हैं कि एक्चुअली ये लास्ट 2 रिकॉर्ड प्रिंट होके आते हैं या फिर नहीं। तो कमांड सेल में जाके 2 लिखने के बाद एंटर, और ये आपके वही लास्ट 2 रिकॉर्ड रहे जो आपकी CSV फाइल में थे। तो ये कुछ था आपके हेड एंड टेल नाम का फंक्शन। नाउ लेट चेक फॉर द 9th ऑप्शन कि 9th ऑप्शन में हमने क्या कुछ रखा था। 9th ऑप्शन में हमने कुछ लिखा है डुप्लीकेट नाम का फंक्शन किसके लिए। अगर मान लो आपकी जो कुछ भी CSV फाइल है उसको डुप्लीकेट या फिर एक नई कॉपी क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए मैंने फंक्शन का नाम लिखा है डुप्लीकेट नाम का फंक्शन जिसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट डुप्लीकेट द फाइल विद न्यू फाइल। अब मैंने जो डी ड्राइव में फाइल सेव की थी स्टेट्स नाम की, उसी फाइल का एक नई फाइल क्रिएट होगी स्टेट्स न्यू नाम की, और ये नई फाइल क्रिएट करने के लिए फंक्शन का नाम है to_CSV। मीन सिंपल सी बात ये रही कि डी ड्राइव के अंदर वापस आपकी नई फाइल बन जाएंगी, और वह नई फाइल के अंदर डेटा वही होगा जो आपने स्टेट्स नाम के डेटा के अंदर पास किया होगा, और वापस वही डेटा रीड करने के लिए प्रिंट नाम के स्टेटमेंट के अंदर डेटा फ्रॉम द न्यू फाइल एंड df वाला वर्ड या फिर वेरिएबल लिखते ही आपको वही डेटा मिलेगा जो आपके न्यू फाइल के अंदर कॉपी हुआ था। तो ये पूरा डेटा चेक करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि states.csv नाम की फाइल एक डी ड्राइव में है या फिर नहीं, और दूसरी फाइल बाद में क्रिएट होके आती है या फिर नहीं। तो यही चेक करने के लिए मेरी डी ड्राइव जिसके अंदर एक ही फाइल है दैट इज states.csv नाम की फाइल। तो सिंबल सा मैंने ये रहा कि हमारे 9th मेन वाले ऑप्शन को कॉल करते ही यहाँ पे एक नई फाइल प्रिंट होके आनी चाहिए। सो लेट गो फॉर द रन द प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम रन करते ही जैसे ही हम 9 नंबर का ऑप्शन प्रेस करेंगे वो कॉल होगा डुप्लीकेट नाम का फंक्शन, और वही डुप्लीकेट नाम के फंक्शन कॉल होते ही आपकी एक नई फाइल क्रिएट होगी वही डी ड्राइव के अंदर। डेटा प्रिंट होके आया पर हम चेक करते हैं कि एक नई फाइल क्रिएट हुई या फिर नहीं। तो वही डी ड्राइव में जाने के बाद आपकी एक नई फाइल क्रिएट होगी विद द नेम स्टेट्स न्यू, तो आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी। तो ये कुछ था आपके डुप्लीकेट फंक्शन के बारे में या फिर एक नई फाइल क्रिएट करने के बारे में। एंड लास्ट ऑप्शन बाकी बचा 10th वाला जिसके अंदर हमने कुछ लिखा था स्पेसिफिक _col, और ये फंक्शन किसके लिए था कि अगर मान लो आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए हो, तो जैसे कि हमारी CSV फाइल के अंदर टोटल कुछ 5 फील्ड है दैट इज स्टेट कन्फर्म रिकवर डेथ एज वेल एज एक्टिव केसेस। इसी 5 फील्ड में से अगर मान लो कोई भी आपको स्पेसिफिक फील्ड ही प्रिंट करवानी हो देन यू कैन गो विद द 10th वन। और 10th वाले फंक्शन के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा था जिसका फंक्शन का नाम है स्पेसिफिक _col नाम का फंक्शन, और उसी फंक्शन के अंदर हमने read.csv वाला फंक्शन पास किया था जिसके अंदर हमारी फाइल थी, और उसके अंदर
UCOLS नाम का एट्रीब्यूट जिसके अंदर मैंने पास किया है स्टेट कॉमा रिकवर। तो इसका सिंबल सा मैंने ये रहा कि आपके वहाँ पे स्टेट एज वेल एज रिकवर वाला ही डेटा प्रिंट होगा, बाकी का डेटा वहाँ से स्किप हो जाएगा। एंड वही डेटा प्रिंट करके हम चेक करते हैं कि सिर्फ स्टेट एज वेल एज रिकवर वाला डेटा प्रिंट होके आता है या फिर नहीं। तो रन में जाके रन मॉड्यूल वाला ऑप्शन और उसी ऑप्शन के अंदर लास्ट वाला ऑप्शन दैट इज अ 10th वन, और 10th प्रेस करते ही आपके पास सिर्फ स्टेट एज वेल एज रिकवर का डेटा ही होना चाहिए। और ये रहा स्टेट का डेटा, दैट इज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड रिकवर केसेस में ये सारे डेटा जो एक्चुअली रिकवर केसेस के डेटा थे। तो यही कुछ था हमारे पाइथन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंदर हमने कुछ डेटा विजुअलाइजेशन एज वेल एज पाइथन पांडास का यूज़ किया और सारे टॉपिक कवर किए जो एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम होने चाहिए। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर अंडर द गाइडेंस ऑफ योर रिस्पेक्टेड टीचर्स यू कैन मॉडिफाई द प्रोजेक्ट, और डेटा सेट के अंदर आपके ऐसा कुछ डेटा लिया जाए जो आपके रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत यूजफुल हो और कुछ ऑब्जर्वेशन या फिर डिसीजन मेकिंग में काम में आ सके, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपके फाइनल ईयर के लिए कर सकते हो। Thank you for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.